गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं बजाज की पल्सर N160, जिसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे गाइस, और इसकी प्राइस की भी बात करेंगे कि आपको 2023 में आपको क्या प्राइस में ये मिलती है। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, थैंक्स टू कॉस्मिक बजाज जिन्होंने हमें ये बाइक दिया रिव्यू करने के लिए। शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। तो वीडियो शुरू करते हैं, पहले इसके डायमेंशन से बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर जो आपको लेंथ मिल जाती है वो आपको मिलती है 1989 mm की। इसकी जो विथ मिलती है गाइस वो आपको मिल जाती है 743 mm, और 1050 mm की आपको हाइट मिल जाती है। इसकी व्हीलबेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1358 mm की आपको व्हीलबेस देखने को मिल जाती है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना गाइस, वो आपको मिलती है 165 mm की, जो कि ठीक है गाइस, 160 सेगमेंट में अच्छी है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। अब इसकी सीट हाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले तो स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पल्सर की बैजिंग मिल जाती है। और इसकी सीट हाइट की बात करें तो 795 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इसकी कर्व वेट की बात करें तो 152 kg की आपको अच्छी खासी आपको कर्व वेट देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं गाइज इसके फ्रंट की तरफ, देखते हैं फ्रंट में आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आपको रेगुलर बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, उसके नीचे आपको यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह। इसके हेडलाइट में गाइस आपको रेड एंड व्हाइट की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी थोड़ी सी यानी अच्छी लग रही है, एग्रेसिव लुक दे रही है। और थोड़ी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको LED DRS देखने को मिल जाती है, जो कि एक आई शेप, एक आईब्रो शेप आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको हेलोजन इसके हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि प्रोजेक्टर टाइप है गाइस, जिसमें आपको लो बीम और हाई बीम दोनों मिल जाते हैं। अब इसके नीचे की तरफ आते हैं तो अंदर की साइड आप देखिएगा, आपको रेडिएटर देखने को मिल जाता है और एक सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं गाइज इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको 37 mm की आपको टेलीस्कोपिक फॉक देखने को मिल जाता है विथ येलो रिफ्लेक्टर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको टू पीस में मडगार्ड देखने को मिल जाता है, एक ग्लॉसी ब्लैक, एक मैट ब्लैक में। ग्लॉसी ब्लैक में गाइज आपको ग्रे, वाइट और रेड का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, एक स्पोर्टी अपीलिंग के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ABS डुअल चैनल की भी स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 160 सेगमेंट में गाइज आपको कोई भी कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है डुअल चैनल। ये काफ़ी एक अच्छी फीचर हो जाती है गाइज, एक सेफ्टी वाइज आपको काफ़ी अच्छी फीचर देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं गाइज इसके अलॉय की तरफ, इसके टायर की तरफ बात कर लेंगे और ब्रेक्स की भी साथ साथ बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको 17 inch की आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी लग रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको रेड एंड वाइट में आपको स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाता है, एक स्पोर्टी फील के लिए। इसके टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100x80 आपको 17 inch की आपको टायर देखने को मिल जाती है, जो कि MRF की तरफ से आती है, ट्यूबलेस। इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 300 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS की रिंग। आप यहाँ देख सकते हैं आपको ABS की रिंग मिल जाती है। और यहाँ पर जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं वो आपको ग्रिमसिया के मिल जाते हैं, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर वाले आपको ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं गाइज इसके पीछे की तरफ, देखते हैं पीछे में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सस्पेंशन की पहले बात करेंगे तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं आपको रेड कलर की आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और विथ यहाँ पर मड प्रोटेक्शन के साथ। और यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं इसको, टायर हगर भी आपको मिल जाता है। अब इसकी टायर की बात कर ले गाइज तो यहाँ पर आपको 17 inch की अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको रेड एंड वाइट की स्टिकरिंग देखने को मिलती है। और टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 130x70 आपको 17 inch की आपको सेम MRF की ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 230 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS। आप यहाँ देख सकते हैं आपको ABS की रिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सेम आपको ग्रिमसिया के आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर वाले आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। साइड लुक की बात करें गाइज तो नो डाउट काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, एक आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी हद तक गाइज ये अपने जो अपर सेगमेंट वाली जो बाइक आती है ना N250, उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और इसके टैंक की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मस्कुलर टैंक देखने को मिल जाती है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 14 लीटर की आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर गाइस आपको USB देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना फ़ोन ईजिली चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पल्सर की लोगो मिल जाती है, जिसमें ग्लॉसी ब्लैक में काफ़ी अच्छी लग रही देखने में गाइस, एक प्रीमियम आपको टच मिल जाता है। और इसकी थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं तो इसके फेयरिंग की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेड एंड वाइट में आपको एक अच्छी स्ट्राइप्स देखने को मिल जाती है, एक एग्रेसिव फील देती है आपको। और यहाँ पर भी आपको रेड एंड वाइट में आपको देखने को मिल जाता है स्टिकर। और यहाँ पर गाइस आपको काफ़ी स्टर्डी आपको क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है। इसके इंजन में आपको बजाज की लोगो मिल जाती है, और इसके नीचे गाइस आपको इंजन कॉल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको टू पीस में आता है, एक ग्लॉसी ब्लैक, एक मैट ब्लैक। और इसके पीछे तरफ आ जाते हैं गाइस तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको राइडर की फुटरेज, जो कि रबर पैड में है। और यहाँ पर आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है, पिलियन के लिए फुटरेज, जो कि सिंपल आपको मेटल में मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है गाइस। और ऊपर की तरफ आपको N160 की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। इसके पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्प्लिट टाइप आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है पिलियन के लिए।
और इसके नीचे गाइस आपको फुल्ली एलईडी आपको टेलम देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको रेगुलर बल्ब इंडिकेटर मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको वही नॉर्मल आपको हैलोजन बल्ब नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाती है। और जाते हैं गाइस राइट की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको सेम 160 की आपको बैजिंग मिल जाती है, पिलन के लिए फुटरेस्ट, राइडर के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर आपको रियर ब्रेक लीवर और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है। और इसके इंजन में गाइस आपको DTSI की आपको ट्विन स्पार्क की आपको बैजिंग मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके फ्रेम और स्विंग आर्म की, तो फ्रेम से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूबुलर फ्रेम देखने को मिल जाता है, और इसके स्विंग आर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है गाइस, और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं आपको टायर प्रेशर की स्टिकरिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके चेन की, तो यहाँ पर आपको ओपन चेन देखने को मिलता है गाइस, जिसको आपको 500-600 में साफ करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो चेन की जो क्वालिटी होती है ना गाइस वो ख़राब होने लगती है फिर धीरे धीरे। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके हैंडल बार और फीचर्स की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको हैंडल बार देखने को मिल जाती है सिंगल रॉड में, इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस देखने में। और लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी लाइट आपको क्लच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको पास की स्विच मिल जाती है, हाई बीम लो बीम करने के लिए स्विच, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच मिल जाती है, और नीचे तरफ आपको हॉर्न मिल जाता है। राइट साइड की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाती है, इंजन की स्विच देखने को मिलती है, उसके नीचे आपको हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाती है, और नीचे आपको इंजन स्टार्ट करने की स्विच देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। जब ये आई थी ना गाइस बाइक, तो मेरे को लगा था कि फुली डिजिटल है, देखने में कितनी प्रीमियम लगती है। तो लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको लो इंजन ऑयल इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर आपको इंजन मेल फंक्शन की लाइट मिल जाती है, ऊपर की तरफ आपको हाई बीम और यहाँ पर इंडिकेटर की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर गाइस आपको टेकोमीटर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको बजाज की लोगो मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऊपर के साइड गाइस आपको ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो बटन मिलते हैं गाइस, एक मोड और एक सेलेक्ट का। मोड का बटन आप जब दबाइएगा तो आप देख सकते हैं आप ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ऑडोमीटर में आप स्विच कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ गाइस आप देख सकते हैं आपको RPM लिमिट, ABS की लाइट, टर्न इंडिकेटर और न्यूट्रल की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी की बात करें गाइस तो मैं आपको की एक बार दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंपल की मिलती है विद बजाज की लोगो। बात करते हैं गाइस इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 164.82 cc की आपको इंजन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 2 वाल्व, ऑयल कूल्ड, SOSC FI BS6 इंजन देखने को मिल जाती है। इसकी मैक्स पावर की बात करें तो आपको मिल जाती है 16 PS की, जो कि आपको मिलती है 8750 RPM, थोड़ी सी कम है गाइस अपने कॉम्पिटिटर से, पर ठीक है। और इसकी मैक्स टॉर्क की बात करें तो आपको मिल जाती है 14.65 न्यूटन मीटर की, जो कि आपको मिल जाती है 6750 RPM में। इसी गेयरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड की गेयरबॉक्स देखने को मिल जाती है गाइस, कॉन्स्टेंट मैश वाली, जो कि काफ़ी अच्छी है, आपकी जो गेयर शिफ्टिंग है ना काफ़ी स्मूथ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके प्राइस की, तो यहाँ पर आपको एक शोरूम रांची में जो प्राइस मिलती है 1,28,320, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 1,57,142। सो अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है गाइस, कोई भी चीज़ पूछना है, तो आप अपने भाई को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको किसी फाइनेंस से कोई प्रॉब्लम है, कुछ पैसे को लेकर अगर आप बात करनी है प्राइस को लेके, तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.